असर नजर नहीं आ रहा। कहीं फैक्ट्री तो बंद नहीं हो गई उसके बाप की? अरे बाजार से जा रहा था, जोड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा तुम्हारे लिए लेते हैं। ये मेरे लिए साहब जी? अब हम दोनों का मिलना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। बेहतर तो यही होगा कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। क्या बकवास कर रहे थे कबाबी? बकवास नहीं बीजान, मुकम्मल तहकीक के बाद बयान कर रहे हैं। क्या समझा था तुमने? तू मेरी आंखों में धूल झोंकेगी और मैं आंखें बंद किए बैठी रहूंगी। आज तुम्हारी बेटी रुखसत हो रही है, तुम होती तो कितना अच्छा होता। दीदी कॉलिंग है, सुनकर आती हूँ। बेटा तुम खुश तो हो ना? अगर आप लोग खुश हैं तो ये कैसे हो सकता है कि मैं खुश ना हूँ? फिलहाल तो मैंने उसे रोक दिया, वरना उसने तो कल की सीट भी करवा दी थी। दवाई दो इसे ठेका बाबू। दवा खिला दो इसे ठेका बाबू। सुभान अल्लाह, आज रात को गाना भी तो है। करम शहनशाह का स्पेशल। अच्छा मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत दिया आपने। अरे साहबजादे आप यहाँ क्या कर रहे हो? बस अच्छा असल में आप चलता हूँ, वैसे भी काफी रात हो गई है। अच्छा अंकल मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे ख्याल में असल तुम्हें अब अपने रूम में जाना चाहिए, वो किरण इंतजार कर रही होगी, काफी रात हो गई है और वैसे भी सुबह तुम्हें वलीमे के इंतजाम करने हैं।
डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं। क्यों कर रही हूँ मैं किसी को अपनी खातिर डिस्टर्ब? कोई हक नहीं बनता है मेरा। कोई क्यों अपना स्कूल तबाह करेगा मेरी खातिर? मैं मरूं या जिंदा रहूं, किसी को क्या? हेलो मुझे खुशी होगी कि मैं अपने और तुम्हारे ताल्लुक की सारी जिम्मेदारियां पूरी करूं, तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो, और अगर कभी मेरे हवाले से तुम्हें कोई चीज डिस्टर्ब करे तो तुम मुझे कह सकती हो कि मैं गलत हूं। कभी झिझक ना मत। इस वक्त मैं भी थक गया हूं, तुम भी आराम करो। सो जाओ। गुड नाइट। पसंद नहीं करते क्या? क्या किरण की शादी के बाद में मैं यूं ही इस घर में बड़ी बड़ी होड़ी हो जाऊंगी? अब तो मंगोली नहीं जो मेरे बारे में सोचेंगे और किसी को फिक्र नहीं मेरा घर बसाने। इसी घर में बड़े बड़े बूढ़ी हो जाऊंगी? करनी है, मैं कमरे तक जा रहा हूं। जी लो भी अटिया, मैं जरा तैयार होके हॉल का चक्कर लगा लू, इंतजाम वगैरह चेक कर लेंगे, कसर ना रहे। मैंने आपके कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। दैट्स लाइक ए गुड वाइफ। किरण बेटा, अटिया से कुछ सीख लो, ऐसी सुगड़ बीबियां बहुत कम कम होती हैं दुनिया में।
सीख लो कुछ। अरे ये क्या, आप अभी से सीखने सिखाने की बातें करने लगे? अभी तो पूरे एक साल मेरी किरण और असद ने एंजॉय करनी है, लाइफ एंजॉय करनी है, पूरी दुनिया घूमनी है भाई। वाह भाई वाह, हमें तो आपने एक हफ्ते बाद ही ऑफिस भिजवा दिया। और बेटे के लिए एक साल का हनीमून, ठीक है भाई। औरत को इंसान की सिर्फ मां ही होना चाहिए। किरण बेटा तुम खुश तो हो ना? अरे तुम मुंह से बोलकर बताओ ना, ताकि इस घर के दरो दीवार भी सुन सके कि हमारी बेटी इस घर में खुश है। जी खुश हूं, बहुत खुश हूं। गुड, चलो नाश्ता करो। अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वो मौलवी साहब, सीरत पर किताब मैंने पढ़ ली थी, माशाल्लाह। मुझे इस्लाम में औरतों के हकूक के बारे में एक किताब चाहिए। इंशाल्लाह आज जाएंगे तो ले आएंगे। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं, यानी किन रास्तों पर चल निकली है ये। खाला अगर इजाजत दें तो एक बात करूं। हाँ बेटा बोलो। इस्लामी नुक्ता नजर से भी यही बेहतर है और शायस्ता के लिए और उस घर के लिए भी यही बेहतर है कि आप उसका निकाह कर। निकाह? दूसरी शादी। दूसरी शादी? शायस्ता को, उसके बच्चे को और इस घर को एक जिम्मेदार मर्द की जरूरत है बेटा। मगर दुनिया क्या कहेगी? दुनिया की नहीं, दीन की सुने, और दीन इंसानों की फलाह और भलाई चाहता है, हौसला अफजाई करता है बेवा की और मुतलका की शादी की। मगर बेटा आप इस पर सोचिएगा जरूर। दुनिया की और लोगों की बात छोड़ें, अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचें कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इतनी पहाड़ जैसी और मीलों लंबी जिंदगी तन्हा कैसे गुजारेगी? हेलो जासिम। ओ हाय। हाय, क्या बात है, कोई नजर ही नहीं आ रहा आज। वो सब नजर आ जाएगी, यहीं पे बैठिए आप। लीजिए बैठ गया। क्या बात है, आज आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। ना सिर्फ मूड अच्छा है बल्कि आज मैं बहुत खुश भी हूँ और बहुत परेशान भी हूँ। परेशान क्यों, क्यों क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? कहीं प्रोग्राम पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लग गया? ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं प्रॉब्लम की वजह से परेशान नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर क्या बात है? ये कैसी परेशानी है कि एक ही वक्त में आप खुश भी हैं और परेशान भी? होती है शायस्ता, कुछ कैफियत ऐसी होती है ना कि इंसान एक्साइटेड भी होता है और परेशान भी। असल में ये जो इंकार का खौफ होता है ना, ये परेशान कर देता है इंसान को, और इकरार का ख्याल बदन में बिजली भर देता है। क्या इंकार और क्या इकरार जासिम, प्लीज आप खुलकर बात करें ना, शायद शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मदद? भाई तुम सब कुछ कर सकती हो। क्या मतलब? वो मतलब ये कि कुछ कुछ तुमसे कहना था।
मुझसे? हाँ तो कहिए ना जासिम, आपको पता है ना कि मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ। हाँ वो इसी बात ने तो खौफ में उतला कर रखा है कि तुम मेरी बहुत इज्जत भी करती हो। कमॉन जासिम, अब देखिए आप मुझसे मिलियन डॉलर वाली चीटिंग कर रहे हैं। आप खुलकर कहिए ना क्या कहना है। अब I'm confused now। वो बात शायस्ता, बात ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। क्या ये तुम क्या कह रही हो किरण? आप ही, मैं वही बता रही हूँ जो मुझ पे बीत रही है। मैं अभी पापा से बात करती हूँ। नहीं अभी, पापा से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज पहली दफा मम्मी की डेथ के बाद पापा कुछ पुरसकून नजर आ रहे हैं। लेकिन दिस इज नॉट फेयर। अभी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कल्चर का हिस्सा है, वहाँ पे औरत का हर फैसला मर्द का फैसला होता है। इसमें फेयर और अनफेयर की कोई बात नहीं आती आपी। मगर किरण, मगर क्या आपी? अगर असद का एटीट्यूड मेरी तरफ सही हो भी जाता तो क्या मेरा दिल उसकी तरफ से खुश है? ये कोई बात नहीं किरण, मैं अभी अतिया आंटी से बात करती हूँ। नहीं आपी, आपी अतिया आंटी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, शायद मेरी किस्मत में ये लिखा है। मगर किरण, आपी मेरी बात सुने, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा ना, शायद कुछ देर में असद का एटीट्यूड मेरी तरफ ठीक हो जाए। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि कुछ दिन असद को देख लेते हैं, लेकिन अगर उसका रवैया चेंज ना हो तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम नहीं जानते किरण कि तुम मुझे कितनी अजीज हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, नहीं देख सकती मैं तुम्हें दुखी। और भी आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। शायस्ता, तुम परेशान हो गई हो? नहीं तो मैं परेशान तो नहीं हूँ, ठीक हूँ मैं। शायद तुम्हें मेरा इस तरह से इजहार मोहब्बत कर देना बुरा लगा। देखो शायस्ता, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो आई एम रियली सॉरी। मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दूं, और ना ही मैं ये चाहता था कि मेरी बात से तुम्हें दुख पहुंचे। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है जासिम, इट्स ओके। आई थिंक वो लाइट हो गई है, मैं मेकअप ठीक कर लेती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। हाँ के लिए चाय लाई थी। शुक्रिया। खड़ी क्यों, बैठ जाओ। जी असद
मैंने आपसे क्या कह रही थी? तो वो मैं असल में बीच में फोन आ गया तो मैं तो कोई बात नहीं सुन लो फोन जी वो कोई बात नहीं किसी फ्रेंड का होगा सुन लो फोन नहीं नहीं किसी फ्रेंड का नहीं है असल में मैं एक सेकेंड आई अच्छा एक्सक्यूज मी देखो विक्की तुम क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने पे तुले हुए हो मत फोन करो मुझे व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड ये पाकिस्तान है ये अमेरिका नहीं है तुम मुझे क्यों विक्की ये तुम क्या कह रहे हो तुम सुसाइड की क्यों बात कर रहे हो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा हुए हैं रास्ते बिखरे